हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे वाटर टैंक, पानी का हौद। जो हमारे घर में या मकान में मैन रहता है, वो ही हमें लीकेज लीकेज हो जाए तो उससे रिपेयर किया जा सकता है, या उसको पूरा तोड़ने के बाद वो रिपेयर होता है। आज की इसी वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम कालूराम वैष्णु और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। हम पानी के वाटर टैंक आपको प्रैक्टिकल ये करके दिखाएंगे, और इसमें कौन सा केमिकल हम मिलाते हैं वो भी आपको इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। वीडियो लंबा ना करते हुए आए चलते हैं वाटर टैंक जहाँ पे वो पानी का होल लीकेज है। आए चलते हैं, और आपको वहाँ पे कारीगर लगवाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद ये काम कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो आइए चलते हैं उस वाटर टैंक की और जो लीकेज हुआ हमारे। ये है वो जहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, ये तीन चिन्ह या तीन छेद हुए हैं जो हमारे कीड़े मकोड़ों ने यहाँ पर तीन छेद कर दिए हैं। ये देखिए आप, ऐसे छेद हैं तो आप एक सरिया या किसी पेचकस की सहायता से आप उस छेद को बड़ा कर दें इस तरह से, उसको 1 इंच से ज़्यादा बड़ा ना करें। और कोई मिट अंदर की तरफ प्लास्टर व्लास्टर कोई जहाँ तक छेद जाता है वहाँ तक जाने की पहले कोशिश करें पूरी। इस तरह से आपको ये सुराख बड़ा कर देना चाहिए। बड़ा करने के बाद फिर आपको वहाँ पर जहाँ आपके छेद है वहाँ पर कपड़े से सफाई कर लें। ये केमिकल आपको बनाना है, इसमें सीमेंट, प्योर सीमेंट और आप थोड़ी शक्कर मिलाकर ये केमिकल आप घर पर ही बना सकते हैं। सीमेंट और शक्कर आपको साथ में इस तरह मिलानी है, फिर आपको इसको यहाँ पर लगा देना है कुछ इस तरह से, और 2 दिन तक आपको उसे सूखने देना चाहिए। उसके बाद आप ये देखिए, आप पानी भर सकते हैं। ये हमारी साइड है जहाँ पे वो लीकेज हुआ था।